हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बच्चों के रंग को गोरा करने के हवाले से YouTube पर आपने हज़ारों रेमेडीज देखी होगी, आपने हज़ारों वीडियोस देखी होंगी। अच्छा जी, उसमें बड़े दावे कर रहे होते हैं कि ये क्रीम लगाओ तो यू रंग गोरा, ये वाला पैक बच्चों की स्किन पे लगाओ तो रंग मिनटों में गोरा, रंग एक दिन में गारंटी से गोरा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जो रेमेडी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत उम्दा है, बहुत ज़्यादा ईजी है। जहाँ तक बच्चों के कलर की बात है, जहाँ तक बच्चों के कलर कम्प्लेक्शन की बात है, देखिए बच्चों का कलर इस वजह से भी ख़राब हो जाता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर खेल रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, बच्चे धूप में खेल रहे होते हैं, इसी वजह से बच्चों का जो कलर कम्प्लेक्शन है थोड़ा सा डार्क हो जाता है। अब ज़रा अब उसी कलर कम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए अब जो मदर्स होती हैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं कि हम अपने बच्चों का कलर मतलब फेयर कर लें। यूट्यूब पर रेमेडीज़ मौजूद हैं वो बड़ी मुश्किल होती हैं। कोई कहता है कि बेसन का पैक लगा लो, तो कोई कहता है कि मैदे का पैक लगा लो। अब आप खुद सोचें कि बच्चे अपने फेस पर पैक लगवाएंगे, बच्चों पर टाइम नहीं होता कि वो स्टिल एक जगह बैठ जाए और फेस पर पैक लगा के 15 मिनट के लिए बड़े आराम सुकून से बैठ जाए। तो जी ये हम बड़ों का ही काम होता है कि आराम से पैक लगा के बैठ जाती हैं और यूं मुंह ऊपर होता है, चलो जी अच्छी तरह स्किन पे उसका असर होना दो, जितना देर लगा रहेगा उतनी हमारी स्किन ग्लो करेगी। तो ये हम लोग सोच रहे होते हैं, स्पेशली जो लड़कियाँ जो खवातीन वो ये सोच रही होती हैं, बच्चे ऐसा नहीं सोच रहे होते। इसीलिए जो मैं आप लोगों के लिए रेमेडी लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा कमाल है। पूरी मी से कह सकती हूँ कि जी जब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगी आप मुझे कमेंट्स के बगैर रह नहीं सकेंगे, क्योंकि आपको इस रेमेडी का 100% रिजल्ट मिलेगा। अब जहाँ तक बच्चों के कलर की बात है, बच्चे तो हर कलर में बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। उनके स्किन टोन किस कलर का भी हो, किस कम्प्लेक्शन का भी, बच्चे हर कलर में अच्छे लगते हैं, बच्चे हर कलर में प्यारे लगते हैं। लेकिन जाहिर है जिस तरह की मैंने आपको पहले बताया, बाहर खेल कूद की वजह से, सूरज की शौक की वजह से, डस्ट की वजह से बच्चों की जो स्किन है उनका जो कलर कम्प्लेक्शन है थोड़ा डार्क हो जाता है, उनकी स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है और बच्चों की जो स्किन है वो इतनी ग्लो नहीं कर रही होती। तो जाहिर है इस चीज़ को ठीक करने के लिए मेरे ख्याल से हर मदर ही जतन कर रही होती है, कोशिश कर रही होती है कि हम बच्चों की स्किन ठीक हो जाए, मतलब कि जिसमें पहले थी वैसे हो जाए। जिन बच्चों का कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है तो वो मीडियम में हो जाएगा, और जिन बच्चों का कलर मीडियम टोन में है वो बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपको मतलब 10 से 15 दिन में ही फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। तो जी अब मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं करती, मैं जल्दी से बढ़ती हूँ रेमेडी की तरफ। अच्छा जी, इस पैक को बनाने के लिए हमने दो चीज़ें लेनी है। एक हमने लेना है कच्चा दूध, कच्चा दूध आप लेना है 2 से 3 चम्मच आप ले सकती हैं। इसके बाद हम जिसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करने वाले हैं वो है कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। देखिए जो नारियल का तेल होता है वो कलर कम्प्लेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, यानी कि हमारी स्किन पर बड़े अच्छे से वर्क करता है। नारियल के तेल में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन कलर को लाइट करने के लिए एक अहम रोल प्ले करता है। तो जी आपने इसमें 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध लिए, अब आपने इसमें नारियल का तेल शामिल करना है 1 चम्मच। अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जब भी देखेंगे अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इनकी जो कंसिस्टेंसी वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी, इस दूध की और नारियल के तेल की। तो आप इस मिक्सचर को किसी भी अपनी कोई खाली शीशी या कोई खाली क्रीम की आपके पास कोई जार पड़ा हो उसमें आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रख सकती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, मतलब नारियल के तेल कच्चे दूध का जो मिक्सचर आपने बनाया था इसे आपने अपने हाथ पर लेना और हल्का हल्का सा यूँ करना, मतलब एकदम रब नहीं करना, ठीक है। तो आपने इसको अपनी फिंगर टिप्स पर लेना है, फिर आपने इसे हल्का हल्का रब करके बच्चों के फेस पर यूं यूं करके लगा देना है, यूं यूं करके हल्का हल्का लगा देना है। बहुत ज़्यादा आपने इसे रगड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा आपने इसे रब नहीं करना, बिल्कुल हल्के हल्के मतलब स्मूथ से हाथों से, जिस तरह हम एक आम सी क्रीम या हम एक आम सा लोशन लगा रहे होते हैं ना, तो आपने इसी तरह इसको लगाना है, मतलब हाथों पे लेके और बच्चों की स्किन पर यूं लगा देना अच्छे से, यूं हल्के हल्के करके यूं लगा देना और फिर बच्चों को आप छोड़ दें। तो जी इनको लगाने के बाद 3 से 4 घंटे बाद अपने बच्चों का आप फेस वॉश करवा सकती हैं। तो आपने इस क्रीम को डेली बच्चों की स्किन पर लगाना, आप देखेंगी 10 से 15 दिन के बाद आपको बड़ा ही अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो जी इस रेमेडी के साथ साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, मतलब उनकी डाइट का आपने ख्याल रखना है, शेक वगैरह उनकी डाइट में शामिल करनी है, फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल करना है, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह शेक वगैरह से कलर बहुत ज़्यादा साफ होता है। एक तो हमने इस क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, साथ में शेक फ्रूट का इस्तेमाल भी आपने लाजमी करना है, और आपने बच्चों का फेस दिन में 2 बार वॉश भी करवाना है, मतलब ऐसा नहीं करना कि बच्चे सुबह आपने फेस वॉश कराया तो नेक्स्ट मॉर्निंग, कोशिश करने की दिन में 1 से 2 बार बच्चों का फेस वॉश करवा दें। जो आपने रंग साफ करने के लिए मैंने आपको अभी बताया था कच्चे दूध और नारियल का जो मिक्सचर बनाया वो आपने 2 दिन बाद नया बना लेना है, मतलब आपने उसको हम 1 हफ्ते तक स्टोर नहीं कर सकते, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए दूध तो जैसे हमारे मतलब दूध जैसे आपके घर में आता है, दूध को लिया उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला करके बच्चों को लगा दिया, 2 दिन तक आप इसे स्टोर कर सकती हैं, 2 दिन से ज़्यादा आपने इसे बिल्कुल स्टोर नहीं करना। तो जी आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरी आज की वीडियो
अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मैं मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।